दोस्तों आज का वीडियो करके मुझे इतनी खुशी हो रही है, आई कांट टेल यू, क्योंकि पिछले दो महीने से हम इतने सारे वीडियोस कर रहे हैं, सब अनबॉक्सिंग। द अमाउंट ऑफ स्मार्टफोन जो लॉन्च हो रहे हैं आजकल, और हमें तो अनबॉक्सिंग करनी होती है, इसलिए ये सब बाकी के जो वीडियोस है वो नहीं कर पाते हैं। बट फाइनली दोस्तों नए नए ब्रांड न्यू जो फोन आपने लिए हुए हैं उसके लिए ब्रांड न्यू जबरदस्त ऐप्स बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि प्लीज ये जो आपका बेस्ट गेम्स बेस्ट ऐप्स की वीडियो होते हैं वो कैरी ऑन कीजिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अगले एक डेढ़ महीने में दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले जो अनबॉक्सिंग नहीं होंगे, लेकिन आप फोन लेने के बाद आपने क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर होने वाले। वैसे आज के जो एप्स है वो एंड्रॉइड के लिए, आईफोन बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, 1.5 मिलियन के ऊपर आईफोन्स बेचे गए हैं 6-7 दिनों में ऑनलाइन सेल्स में फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो एप्स होने वाले दोस्तों उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसलिए। लेकिन आज Let's talk about Android apps, क्योंकि 90% of people जो हमारे देख रहे हैं वो Android phones इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों याद रखिए, जो भी apps हम आपको बताने वाले हैं ये सब हम proper research करते हैं, कुछ 100-150 apps test करते हैं, उसके बाद में हम 5 या 6 जो सबसे अच्छे apps होते हैं वो जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए आपका वक्त बचता है। Yes, और ये जो पहला ऐप है जबरदस्त है, टच द नॉच शॉर्टकट। नॉच आपको पता है आजकल सेंटर होती है, कभी कभी वाटर ड्रॉप नॉच होती है, लेकिन उस नॉच का कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन टच द नॉच शॉर्टकट जब आप इंस्टॉल करोगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन आप उसे असाइन कर पाओगे। टच कीजिए नॉच को, आपको अगर कैमरा ऐप ओपन करना है वो कर पाओगे, टच द नॉच कीजिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो कर पाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्यूआर कोड रीडर, क्विक डायल, प्ले पॉज म्यूजिक, डीएनडी मोड, बहुत सारे फंक्शंस आप असाइन कर पाओगे, बट एक ही। कभी कभी तो शॉर्टकट भी, अगर एक ही ऐप दिन में 10 बार आप ओपन करते हो, वो नॉच को टच कीजिए वो ऐप ओपन हो जाएगा, सोचिए। सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ऐप, ओनली 1.6 MB, डाउनलोड कीजिए। यस, एंड जो भी एप्स बता रहा हूं जैसे मैंने बताया सब सेफ है, डोंट वरी अबाउट इट। और जो ये अगला ऐप है ना, ये कम्युनिकेशंस के लिए है। यस, इट इज बज, बज मी नाउ। वॉकी टॉकी जैसे होता है ना, वैसे आपका स्मार्टफोन आप वॉकी टॉकी में कन्वर्ट कर पाओगे। यस, इधर से बात कीजिए, दूसरे को फोन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आवाज सुनाई देगा विदाउट स्टार्टिंग एनीथिंग। सो वॉकी टॉकी जैसे आप बात कर पाओगे, तो अगर आपकी एक टीम है ऑफिस में, आप अलग अलग फ्लोर्स पे हो और कंटिन्यूअसली आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपको चाहिए, देन यू शुड लुक एट बज मी नाउ। बेसिकली इट्स अ वॉइस मैसेजिंग ऐप, बट वो वॉकी टॉकी जैसा काम करता है, और उसी ऐप में आप मैसेजिंग वगैरह भी कर पाओगे, फोटोज वगैरह भी शेयर कर पाओगे। सो फॉर स्मॉल टीम्स, इवन अ फैमिली, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है समझिए, और एक जॉइंट फैमिली रहती है, एक दूसरे के साथ बात करना है, फॉर देम दिस बज बज मी नाउ इज एक्सीलेंट। वैसे दोस्तों आप रोड ट्रिप्स में जाते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग फैमिलीज अलग अलग गाड़ियों में, बहुत यूजफुल है, हर कार में वॉकी टॉकी एक दूसरे से बात करें, अरे कहां पे हो, इधर हो, जी हाँ, बस बज मी नाउ, रिमेंबर दैट एंड डाउनलोड इट। जी हाँ, वैसे लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगले जो 3 ऐप्स है उसके लिए जरूर रुकिएगा, इंटरेस्टिंग ऐप्स। अब दोस्तों आईफोन जब लॉन्च होता है या फिर iOS के नए फीचर्स आते हैं, इमीडिएटली एंड्रॉइड पे आ जाते हैं, लेकिन वैसे 90% फीचर्स ऑलरेडी एंड्रॉइड में रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, एप्पल निकालता है और वो एंड्रॉइड पे 1-4 दिनों में आ जाते हैं। यस, वैसे ही है स्टैंड बाय मोड प्रो। तो जब आप चार्जिंग को फोन रखते हो, जो स्टैंड बाय मोड में अलग अलग वॉच आते हैं, कैलेंडर आते हैं, या फिर मैट्रिक्स जैसा एनिमेशन वगैरह जो आता है, वो सब आप आराम से कर पाओगे ऑन एंड्रॉइड फोन्स विद दिस स्टैंड बाय मोड प्रो, iOS ऑलवेज ऑन। इतना बड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी, बट बेसिकली आप लॉक स्क्रीन के लिए भी इसे इस्तेमाल कर पाओगे, और जब आप चार्ज कर रहे हो तभी इस्तेमाल कर पाओगे। इनफैक्ट जब आप वो रखोगे और किसी ने देख लिया, लोग कहेंगे अरे क्या है, क्या कौन सा फोन है, यू नो, यू विल स्टैंड आउट इवन व्हाइल चार्जिंग द फोन। तो उसके लिए स्टैंड बाय मोड प्रो। जो लास्ट वाला ऐप है ना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, सबने अपने फोन्स पे इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक सिंपल फंक्शनल ऐप जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, पेयर ड्रॉप। दोस्तों ये जो है बहुत सारे फाइल शेयरिंग ऐप्स हैं, आप इंस्टॉल करना है आपको मैक के ऊपर, विंडोज के ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर, iOS के ऊपर, एंड देन यू कैन डू फाइल शेयरिंग, लेकिन उसके लिए ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये जो है pairdrop.net, ये एक वेबसाइट है जो आपको फाइल शेयरिंग जो है वो बहुत ईजी कर देती है, द एंटायर प्रोसेस। हाँ, एक चीज जरूर है दोस्तों कि आप लोकल नेटवर्क में होना चाहिए, ये इसेंशियली कंपनीज के लिए है, जो फाइल्स बड़े बड़े फोल्डर जो है आपके मैक या विंडोज मशीन से एंड्रॉइड पे आपको शिफ्ट करना है आपके फोन के ऊपर, या उल्टा आपको करना है, तो वो आप कर पाओगे। इनफैक्ट एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड में आप अनलिमिटेड फाइल साइज शेयर कर पाओगे। एक्सीलेंट। इनफैक्ट
परमानेंट पेयरिंग भी कर पाओगे। एक बार वो पिन कोड दे दीजिए एंड कंटिन्यूअसली दो जो डिवाइसेज आपके होंगे वो पेयर्ड होंगे इजीली, जब चाहिए तब आप फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है वो ट्रांसफर कर पाओगे। अगर आप एंड्रॉइड और आईओएस कर रहे हो तो 200 MB का लिमिट होता है, बट याद रखिए द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट peardrop.net ऑन योर ब्राउजर, दैट्स अबाउट इट। एंड फाइनली मैंने कहा यह बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरीवन शुड हैव इट, और सिर्फ इस ऐप के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल सेफ्टी। अब ये पर्सनल सेफ्टी जो है ना, ये नेटिवली आपको पिक्सेल फोन्स जो है ना, नेटिव एंड्रॉइड फोन्स होते हैं उसके ऊपर मिलता है, लेकिन जो MIUI एंड देन ये सब स्किन्स वाले जो फोन्स होते हैं एंड्रॉइड, उनके ऊपर ये ऐप नहीं होता। ये ऐप होना चाहिए, इट कैन सेव यू योर लाइफ। इसलिए कोई भी बाहर जाता है तो उसके फोन के ऊपर आपको सिर्फ सेट करना है टाइमर कि भाई इतने टाइम के अंदर अगर मुझे अलर्ट नहीं आया कि भाई है तो दे आर इन इमरजेंसी, क्योंकि बहुत बार इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पता है आप फोन कुछ कर भी नहीं सकते हो, कोई बटन वगैरह SOS बटन दबाना है वो भी नहीं कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। सो इसेंशियली जो इमरजेंसी सिचुएशन में है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वो सेट आधा घंटा अगर आपने रखा हुआ है तो अपने आप अलर्ट आ जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया इमरजेंसी सिचुएशन में जिसके पास जिसको बताना है आपको कि मैं इमरजेंसी सिचुएशन में हूं वो कुछ नहीं कर पाता है। सो दिस पर्सनल सेफ्टी ऐप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी नया ऐप है दोस्तों, अभी रोल आउट हो रहा है, तो मैं जो लिंक दे रहा हूं वो US की है, किसी किसी फोन्स में आ रहे हैं, किसी किसी फोन्स में नहीं है, किसी किसी कंट्रीज में अवेलेबल है, तो वो जरूर चेक कीजिएगा। बट पर्सनल सेफ्टी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप। वैसे जैसे पहले बताया दोस्तों आईफोन्स के लिए iOS जबरदस्त ऐप्स भी लेके आने वाले हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गेम्स के भी वीडियोस आ रहे हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के भी आने वाले दिनों में वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।